नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर में आरा में शहीद प्रमोद का शोक पंच तत्व में विलीन। महुली घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। जिलाधिकारी समेत जिले के कई पदाधिकारी पहुंचे शहीद के घर। नॉर्थ सिक्किम के जेमो में सड़क हादसे का शिकार हुए शहीद आर्मी प्रमोद सिंह का शव आज सुबह उनके पैतृक गांव आरा के उद्वंत नगर स्थित बामपाली गांव में पहुंचा, जहां तिरंगे में लिपटे शहीद आर्मी जवान के शव को देखकर परिजनों में हाहाकार मच गया। वहीं बेटी की शहादत पर रिटायर्ड फौजी पिता कलेक्टर सिंह हैं भारत माता के जय नारों से पूरा महल गूंज उठा। नम आंखों से अंतिम दर्शन को पहुंचे भोजपुर के डीएम और एसपी सहित तमाम पदाधिकारियों ने शहीद के अंतिम दर्शन करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिक्किम से चतेन से थांगू की ओर जेमा के रास्ते में सेना के 3 ट्रकों का काफिला गुजर रहा था, जो रास्ते में तीखे मोड़ पर फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा। इस हादसे में 3 जूनियर अधिकारियों और 13 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं घायलों को एयरलिफ्ट कर बाहर निकाला गया। इस हादसे में शहीद जवानों में बिहार के भोजपुर जिले के उद्वंत नगर के वामपाली निवासी प्रमोद सिंह शामिल थे, जिनकी शहादत के बाद से ही उनके गांव में गम का माहौल है। शहीद बेटे के बुजुर्ग पिता ने आंखों में आंसू लिए कहा कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, उसकी शहादत पर मुझे गर्व है। भोजपुर डीएम राजकुमार और एसपी संजय सिंह पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि शहीद के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 11 लाख का आर्थिक मुआवजा की राशि प्रदान की गई है। भोजपुर संवाददाता विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। उनकी आत्मा की शांति हो, गर्व महसूस कर रहे हैं बेटा देश के लिए शहीद हो गए। हाँ, कुछ मांग है सरकार से? सरकार से मांग क्या करेंगे? आप भी तो आर्मी मैन रह चुके हैं, आज भी ज्यादा मैं समझते हुए मेहनत देखी होगी, तो कितना गर्व करते हैं अपने बेटे पे आप? बहुत, काफी गर्व करते हैं कि देश के लिए शहीद हुए। उसके पहले कब आपसे बात हुई थी उनकी? बात हुआ था सोमवार को। क्या बोले थे? बोले थे कि पापा ठीक ठाक, मम्मी को देखनी है, ठीक ठाक रहना, हम जा रहे हैं, जाना है ऊपर। अच्छा, वो बताया कि हम लोग जाने वाले हैं ना? हाँ, आगे जाएगा बा। आपको कब सूचना मिली कि आपका बेटा नहीं रहा? परसों सूचना मिला, 3 बजे। नाम बोलिए किसका? आपका नाम क्या? कलेक्टर दोस्त भी है और उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही नेक दिल इंसान थे और ऐसा आज हम लोग को लग रहा है कि इस टोले का एक सितारा चला गया है। इस टोले का वो रौनक था, जब से उसकी नौकरी हुई उसके पहले से ही वो इस टोले का बहुत होनहार लड़का था और कर्मठ लड़का था। आज उसके खोने का गम परिवार के साथ सभी दोस्त और जितने उसको जानने वाले हैं वो सभी आज यहाँ दिख रहे हैं। उससे ये लग रहा है कि सभी को कितना उससे लगाव और वो उसमें क्या गुण था वो आज दिख रहा है। लास्ट आपको कब लगा? बिहार सरकार की नीति है, कोई भी सैनिक जो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है उसे 11 लाख रुपए का मुआवजा बिहार सरकार को दिया जाता है। आज भी शहीद प्रमोद जी की पत्नी जी को जिला प्रशासन द्वारा 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। और भी जो भी सहायता हो सकती है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे वारबी डोज के लिए व्यवस्था है सरकार की, भारत सरकार की भी, पेट्रोल पंप और ये रसोई गैस वगैरह की, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। जो भी स्मृति के रूप में परिजन जो है वो स्मृति स्मारक बनाने और बिल्कुल हम लोग उसके लिए जो भी नियम संगत प्रक्रिया है, यहाँ पर बताया गया कि मंदिर के पास एक ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन है, तो उसके विधिवत प्रस्ताव भेज के उसको करवाया जाएगा।